बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? हर कंट्री की दूसरी कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती हैं, पता है सबको। हम दूसरी कंट्रीज के साथ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। हम इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाकर अपनी कंपनी खोलते हैं, या फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आकर अपनी कंपनीज सेटअप करते हैं। तो ये होती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस का हमें एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए या नहीं? यस और नो? शुड वी हैव अ रिकॉर्ड? शुड वी हैव अ समरी ऑफ दीज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस? वो जो समरी हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस की करते बनाते हैं, जो एक कंट्री के रेजिडेंट्स की दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ होती हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बिकॉज इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, वी हैव टू फॉलो वन सिस्टम, राइट? सो विच सिस्टम वी फॉलो? हम कहते हैं ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसके करके रेजिडेंस या गवर्नमेंट के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस अफेक्ट नहीं होता, उनको हम एक अकाउंट में डाल देते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शंस जिनके करके रेजिडेंस या गवर्नमेंट का एसेट या लाइबिलिटी स्टेटस अफेक्ट होता है, उनको हम एक अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज ट्रांजेक्शंस विच डू नॉट अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस, दीज आर रिकॉर्डेड इन बीओपी ऑन करेंट अकाउंट, ठीक है? बीओपी ऑन करेंट अकाउंट में तीन तरह की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। नंबर वन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, विच मीन्स गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, दैट इज सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो वेन एवर वी से कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन सरप्लस, दैट डज नॉट मीन कि सारी हमारा इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है। सिर्फ गुड्स का इनफ्लो गुड्स के आउटफ्लो से ज्यादा है, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज नोन एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, और इसको क्या कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीट्स माइनस यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इन तीनों का बैलेंस ऐड कर लीजिए, हमारे पास क्या आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करेंट अकाउंट। इफ इट इज पॉजिटिव, इट इज सेड टू बी इन सरप्लस, करेंट अकाउंट सरप्लस कैश। इट मींस आवर कंट्री इज लेंडर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये लिख लिया करो, एमसीक्यू में आएगा। फिर बोलोगे मैम ने तो करवाया नहीं, कहीं बुक में लिखा ही नहीं है। जरूरी नहीं है हर चीज बुक में लिखी हो, नॉलेज बेस्ड है एमसीक्यूज, ठीक है? सो इफ कंट्रीज बीओपी ऑन करंट अकाउंट इज इन सरप्लस, यू नीड टू राइट इट डाउन। आई सेड द कंट्री सेट टू बी लेंडर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सीधी सी बात है बेटे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो इसका मतलब हम क्या हो सकते हैं? लेंडर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड, इफ बीओपी ऑन करंट अकाउंट इज नेगेटिव, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट इज देयर कैड, तो हमारी कंट्री क्या है? बोरोअर फ्रॉम ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? सो यहां तक हमने कल कर लिया था। अब हम करते हैं ऐसी ट्रांजेक्शंस जिनके करके रेजिडेंस या गवर्नमेंट का एसेट या लाइबिलिटी स्टेटस अफेक्ट
होता है। ये सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट में इट इज रिलेटेड टू, यू नीड टू राइट इट डाउन अगेन, इट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। इट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, रियल नेचर की नहीं होती। ठीक है, सेकेंडली कैपिटल अकाउंट इज यूज टू, कैपिटल अकाउंट इज यूज टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहा है, यानी हमारा आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का हमारे फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो से ज्यादा है, तो डेफिसिट है ना, उस डेफिसिट को कैसे ऑफसेट करेंगे? हमारी जो पेमेंट्स है फॉरेन एक्सचेंज की वो $1,000 है, रिसीट्स $800 की है, ये कब पॉसिबल है? आपको $800 आया, आपने $1,000 खर्च दिया, इज इट पॉसिबल? है 800, 1000 कैसे खर्च सकते हो? ये डेफिसिट आपको ऑफसेट कहीं से करना पड़ेगा, यानी ₹200 कहीं से लाने पड़ेंगे, इसको कहते हैं ऑफसेटिंग दी डेफिसिट। आपको पेरेंट्स ने ₹800 दिए, आपने 1000 खर्च दिए, कैसे खर्च सकते हो 1000? आपके पास तो 800 थे, ₹200 या तो फ्रेंड से लिया होगा, या ₹200 का कोई सामान बेच दिया होगा, ऐसे ही किया होगा ना बेटे, यानी आपने अपने डेफिसिट को ऑफसेट किया। तो अगर गवर्नमेंट के पास ये सिचुएशन आ रही है, गवर्नमेंट का इनफ्लो करंट अकाउंट में $800 है, आउटफ्लो $1,000 है, कहां से गवर्नमेंट ने ₹200 ऑफसेट किए? कैपिटल अकाउंट से। कहां से ऑफसेट किए? इसका मतलब कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू, नंबर वन, फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट, और इट इज ऑल्सो यूज टू एब्सॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। वॉट डज दिस मीन? आपका इनफ्लो है 1000, आउटफ्लो है 800, 200 का सरप्लस, ये सरप्लस कहां जाएगा? दिस विल बी एब्सॉर्ब्ड इन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, पहली बात मैंने तीन चीजें बताई अभी तक कैपिटल अकाउंट के बारे में। एक, कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जिससे रेजिडेंट्स या गवर्नमेंट के एसेट या लायबिलिटी स्टेटस अफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा, इट रिलेट्स टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज इन फाइनेंशियल नेचर। तीसरा, इट इज यूज टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट और टू एब्सॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, सो बेटे बेसिकली एक और चीज, कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल ट्रांसफर्स ओनली, ये फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेट करता है। कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, ठीक है, रियल नेचर की नहीं है। मतलब इनका कंट्री के आउटपुट के ऊपर, इनकम के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता। दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन डू नॉट, दीज आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, दीज डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। लिख लो बेटे, भूल जाओगे ये सारी बातें, बहुत चीजें हैं करने वाली। कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन हैं वो कंट्रीज के इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, नाउ लेट अस सी, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट वैसा ही होता है बेटे जैसे करंट अकाउंट का होता है। कैसा होगा? हियर वी विल टेक पर्टिकुलर्स,
particulars, credit, debit, net, that is credit minus debit. Again, I am telling you, all those transactions, sun lo dhyan se, all the transactions which lead to inflow of foreign exchange is recorded in all the transactions which lead to outflow of foreign exchange is recorded in yaad rahega inflow hai to credit outflow hai to debit koi ek example batao current account ki bata do jiske karke foreign exchange ka inflow hoga एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हम फॉरेन कंट्री में गुड्स को सेल ऑफ करते हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी, उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? जब हम पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो होगा, रिकॉर्डेड इन डेबिट्स. पता चल गया? यहां पर भी सेम रूल अप्लाई होगा. अब इसमें देखते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है कैपिटल अकाउंट में. सबसे पहले है बेटे बोरोइंग एंड लेंडिंग. आपने फॉरेन कंट्री से बोरो किया, लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो कैपिटल अकाउंट की होगी आइटम. सीधी सी बात, बोरो करते हैं हम, डू वी बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज? यस. अगर हम बोरो करेंगे, ठीक है, इनफ्लो होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन. अगर हम लेंड करेंगे, आउटफ्लो होगा, विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट्स. ठीक है. नाउ बोरोइंग्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. एक जनरली प्राइवेट सेक्टर करता है, मेरे को एक बिजनेस अपना एक्सपैंड करना है, मैं सोच रही हूँ कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके खोलूं, या मुझे इंडिया में ही नई ब्रांच खोलनी है उसके लिए मेरे को, या मेरे को बाहर जाके खोलनी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है. यूएस में मैंने सेटअप करना अपना एंटरप्राइज, मैं यूएस गई, मैंने इनको बोला मुझे फंड्स की जरूरत है. मास्क पहनो बेटे दोनों, आप भी लास्ट मोहित. तो उस केस में जब आप फॉरेन कंट्री से फंड्स लोगे तो दे कैन प्रोवाइड यू लोन. किस इंटरेस्ट पे देंगे आपको? वो जो उनका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा, इजंट इट? यस. तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ले रहा है और कमर्शियल प्रॉफिट के लिए ले रहा है, मेरे को अपना, मैं इसलिए नहीं ले रही कि मेरी कंट्री के लोग भूखे मर रहे हैं, मैंने उनको पैसे देने हैं, उनको कपड़ा खरीद के देना, नहीं, मैं अपने बिजनेस के लिए कर रही हूं, है ना, यानी कमर्शियल पर्पस के लिए कर रही हूं. इसको कहेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. ठीक है, दिस इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर भी ले सकता है, but this is available at market rate of interest. ठीक है, if you are borrowing, it leads to inflow, will be recorded in credit side. If you are lending, it will lead to outflow and it will be recorded in debit side, right? Then next is external assistance. Generally गवर्नमेंट सेक्टर फॉरेन कंट्रीज को अप्रोच करता है. हमारी कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर चल रहा है, कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हमें ऑक्सीजन का प्लांट लगाना है, ठीक है, तो हमें फंड्स की जरूरत है. तो फॉरेन कंट्री फंड्स दे देती है, बट देन इट प्रोवाइड्स फंड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. गवर्नमेंट मांग रही है ना, ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, लोगों की सहायता के लिए है, एड है, असिस्टेंस है, ठीक है, तो वापस वो कहता है मैं वापस तो लूंगा,
यूएस कहता है आई विल टेक दिस इज अ लोन टू यू, ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी तो क्रिएट हुई लेकिन हमें इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कम मिला, ठीक है। तो कोई भी तरह की बोरविंग हो, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए हो चाहे असिस्टेंस के लिए हो, इनफ्लो होता है तो रिकॉर्डेड इन, आउटफ्लो होता है तो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ठीक है, यहां तक क्लियर। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, पता चला ना ये कैपिटल अकाउंट में क्यों आई, क्योंकि इससे लायबिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है। सेकेंड इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नाइन्थ से हम पढ़ते आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, एमएनसीज के बारे में, तो आपको यही लगता है कि एमएनसीज ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एक कैटेगरी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पहले मतलब समझ लो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेनर्स इन अवर कंट्री और इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियंस इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हम उधर करते हैं उनके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इधर करते हैं तो वो हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब दो तरह की फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, एक आप सब जानते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करती हैं। सैमसंग का प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में है, एलजी का प्रोडक्शन यूनिट है, फोर्ड का प्रोडक्शन यूनिट है, पेप्सिको का है, कैडबरीज का है, नंबर ऑफ, मतलब आज मैं आपसे ये पूछूं ना आपके घर में टीवी कौन सा है, फ्रिज कौन सा है, तो एमएनसीज के ही नाम आएंगे, इंडियन ब्रांड आएगा ही नहीं, ठीक है। कार्स देख लो, जितनी भी हुंडई, ये सब फॉरेन कंपनीज हैं। तो ये फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, कैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये लोग इंडिया में आए, इन्होंने अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया और इसको अपनी मर्जी से चला रहे, मतलब इन्होंने एसेट ओन किया, एसेट मतलब एक कंपनी, प्रोडक्शन यूनिट एक एसेट है ना उनके लिए, ठीक है, ये ओन कर रहे हैं, इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, ओनरशिप इज देयर, कंट्रोल इज ऑल्सो देयर। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें इन्वेस्टर्स का ओनरशिप तो है ही है, कंट्रोल भी उनके हाथ में है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम एक नाम देते हैं, एनीवन एनी आइडिया क्या कहते हैं इसको, एफडीआई, विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। याद करने के लिए इसकी एग्जांपल, ऑल एमएनसीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सैमसंग आया इंडिया में, उसने आपका एक टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो खरीद लिया, दिस इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इज देयर एनी अदर वे इन विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम्स टू अवर कंट्री, कोई और तरीका है, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन पोर्टफोलियो से कुछ माइंड में क्लिक किया, व्हेन अ फॉरेन कंपनी बायस शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाया, सैमसंग ने आके इंडिया में अपना प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाया सैमसंग इंडिया के नाम से, क्या किया, सैमसंग ने टाटा के कुछ शेयर्स खरीद लिए। अब जितने परसेंट शेयर्स खरीदे सैमसंग उतने परसेंट ओनर बन गया टाटा का, बेटे जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है यानी ओनर है, लेकिन क्या कंट्रोल उसके हाथ में आया, नहीं, ही हैज बिकम ओनर ऑफ द एसेट बट वो कंट्रोलर नहीं बना, एसेट्स को ओन कर रहा है कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, नाम तो बदलना पड़ेगा ना बच्चे, ठीक है, वी विल हैव टू नेम चेंज द नेम और नॉट, तो उसको क्या कहेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
when foreign company buys the shares of Indian company or Indian company buys the shares. अगर foreign company खरीदेगी तो inflow होगा recorded in credit side. अगर Indian खरीदेंगे outflow होगा recorded in debit side. ठीक है, these are the two main components of BOP on capital account. ठीक है, इसके अलावा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज ये जो थर्ड ट्रांजेक्शन है बेटे, ये कई बारी कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड की जाती है, कई बारी ये कैपिटल अकाउंट से अलग रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको बता देती हूं, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. Who is the custodian of foreign exchange in India? RBI. ठीक है, देखो करंट अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट बना. अब यहां तक ये दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की. सपोज करो मैं इधर एक आपको एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल सा बना के बता रही हूं. करंट अकाउंट का डेफिसिट था -200. ठीक है, उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाया. सपोज करो ये आए $1,000, ये आई $1,200. ठीक है, नेट कितना आया -200. फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी आई $1,000, आउटफ्लो हुआ $200, ये भी कितना हो गया -200. यानी इन दोनों का बैलेंस कितना हो गया -400. डेफिसिट है. करंट अकाउंट में कितना डेफिसिट था 200. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है टोटल बीओपी कितना हो गया, डेफिसिट में दिख रहा है, कितना डेफिसिट है 600. डेफिसिट 600 है, बैलेंस -600. जब मैंने डेफिसिट कह दिया तो माइनस लगाने की जरूरत, ठीक है ना. हाउ मच इज द डेफिसिट 600. इस डेफिसिट को कैसे ऑफसेट करें, कैपिटल अकाउंट नहीं कर पाया, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के डेफिसिट को ऑफसेट नहीं कर पाया. दिख रहा है, ये तो खुद आप कहते हो मैं फ्रेंड से ले लूंगा, फ्रेंड कहते हैं मैंने तो 400 रुपए खुद उधार देना है, तो आप दोनों का मिलके उधार कितना हो गया 600. कहां से देना है, किसी और से, फ्रेंड के पास नहीं है, पापा ने देने से मना कर दिया, मम्मा ने देने से मना कर दिया, ग्रैंड पेरेंट्स याद आए. मैं आपको क्या कहती हूं, हम आरबीआई को क्या रिलेशन देते हैं, ग्रैंड पेरेंट बोला हुआ है ना, यहाँ पे हमारा ग्रैंड पेरेंट कौन है, आरबीआई है. तो किसके पास जाओगे, आरबीआई. आरबीआई कहां से दे देगा, आरबीआई इज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. आरबीआई के पास एक बहुत बड़ी पोटली है जहां पे गोल्ड, डॉलर, यूरो, पाउंड, ठीक है, एसडीआर होते हैं, एक बहुत सारी चीजें उसके पास पड़ी हुई हैं. क्या करेगा वो, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट. बीओपी कौन बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि मेरे को 600 रुपए का डेफिसिट है, ऑफसेट कर दो. आरबीआई क्या करेगा, 600 रुपए इसमें से निकाल देगा, $600, 600 रुपए नहीं डॉलर्स में बनता है बीओपी. ठीक है, क्या करेगा ये $600 निकाल देगा, क्या हो गया बच्चे, ओके यू टेक सम टाइम टू लाफ देन आई विल स्टार्ट. हंस लो, कोई बात नहीं, हंसने में क्या बुराई, तो कुछ नहीं है, हंस लो बेटे.
अब हंसोगे नहीं, अब मैंने टाइम दिया तो हंस लो अब फिर, ठीक है। ओके, अब आरबीआई ने 600 इसमें से निकाल दिए, दिस इज विदड्रॉल, ये विदड्रॉल हुआ ना, इसको हम ड्रॉइंग डाउन भी कहते हैं, ड्रॉइंग डाउन ऑफ रिजर्व्स। 600 रुपए इसके रिजर्व में से निकल गए, कहां आएंगे? बीओपी में आएंगे, किस साइड आएंगे, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट, रिसीट है, इनफ्लो है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। विदड्रॉल फ्रॉम आरबीआई इज अ पॉजिटिव आइटम इन बीओपी, क्रेडिट आइटम इन बीओपी, समझ आ गया? वहां से विदड्रॉल हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव आइटम। समझने वाली बात है, बुक्स पढ़ोगे ना एक लाइन, एनी विदड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव आइटम इन बीओपी, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा बुक में से पढ़ के, ठीक है? कैसे समझ आया कि आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टडियन है, ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी ने अपनी पोटली खोली, आपको $600 दे दिए, तो आपका डेफिसिट ऑफसेट हो गया कि नहीं? आपने अपनी बैलेंस शीट में कहां डाला, ये क्रेडिट में, क्योंकि आपका इनफ्लो है, लेकिन दादाजी का रिजर्व कम हो गया, ठीक है? गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट ईयर, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ₹200, हमारी बोरविंग्स कितनी ही है, हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, चाइना से लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाल ली कि चाइना ने कोविड स्प्रेड किया है, नाराज हो गए सब इन कंट्रीज चाइना से, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है? अब हमारा कैपिटल अकाउंट देखो, ₹200 का ये डेफिसिट, ₹800 का ये कितना हुआ, 600 का सरप्लस, ₹200 करंट का डेफिसिट था, तो ओवरऑल सरप्लस कितना हो गया? अब दादाजी याद आएंगे, आपको तो नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को याद करना पड़ेगा दादाजी को, क्योंकि जब जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पोटली खोल के दिया था, तो कल को फिर से जरूरत पड़ेगी, पोटली खाली हो जाएगी, कहां से देंगे वो? तो इसीलिए जो सरप्लस है वो भी कहां जाएगा, आरबीआई के रिजर्व में, इट इज अ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ₹600 अब इसमें या ₹400 अब इसमें डाल दो, डाल दिए तो ये क्या हो गया, इधर क्या हुआ, एडिशन, और इधर निकले ना डेबिट, विच मीन्स एनी एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज ट्रीटेड एज नेगेटिव आइटम रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड इन बीओपी, इज इट क्लियर? अब अगर हम इसको बीओपी का हिस्सा मानेंगे, इसको चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, तो बी बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, माइनस 600 नहीं रहेगा अब इसका बैलेंस, ₹600 दादाजी से ले लिए, आरबीआई से ले लिए, माइनस 600 प्लस 600 जीरो, बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो, यानी रिसीट्स विल बी इक्वल टू पेमेंट, क्लियर? चलो बाकी चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।